Hello, my beautiful people. How are you all? I'm your friend Manu. Welcome to my channel, My Life, My Space. तो friends, आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक और झटपट वाली रेसिपी लेकर, जिसे आप देख ही रहे होंगे. आज हम बनाएंगे मटर आलू. ये एक्चुअली सूखे वाले मटर हैं. इन्हें मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और अब ये बिल्कुल ग्रीन पीस जैसे हो गए हैं. क्वारंटीन के टाइम में ये सूखे हुए जैसे लेग्यूम्स, बीन्स, इनका हम यूज कर सकते हैं. हमें बार बार सब्जी लेने भी नहीं जाना है और ये बढ़िया सब्जी का काम करते हैं. उसमें मैंने एक आलू डालूंगी. ये मैंने मसाला पीस के रखा था. इसमें मैंने एक मीडियम साइज अनियन डाला है. 6-7 मैंने गार्लिक कॉर्ड्स डाले हैं. 2 इंच मैंने इसमें जिंजर डाला है. 1 मीडियम साइज टोमेटो डाला है. ये है हरा धनिया, जो कि जिसके बिना सब्जियां और करी, दाल वाल सब अधूरा है और मेरा ये फेवरेट भी है. ये है, हम इसमें डालेंगे जीरा, हल्दी, लाल मिर्च. मैं इसमें दूसरी मिर्च भी डालूंगी रंग देने के लिए, डेगी मिर्च. ये है पिसा हुआ धनिया, ये गरम मसाला और ये नमक. तो मैंने ऑलरेडी इसको प्री हीट कर लिया है मेरे कुकर को. अब मैं इसमें ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल देती हूँ. और ये हम यूज कर रहे हैं कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल. और ये गरम हो रहा है. अब इसमें हम डाल देंगे अपने जीरा को डाल देंगे. और मैं साथ साथ ही अपने पोटैटोस को काट लेती हूँ. ना इनको बहुत छोटे काटेंगे और ना ही बहुत बड़ा काटेंगे. और ये आलू मटर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है. अब ये ब्राउन हो गए हैं हमारे जीरा, तो इसमें हम डाल देंगे हमारा मसाला. और साथ साथ ही मैं इसमें ये डाल दूंगी ताकि हमारा मसाले में, मटर और आलू में मसाला अच्छे से सीप इन हो जाए. थोड़ा ज्यादा लग रहा था मुझे मसाला, कोई बात नहीं. इसमें मैं थोड़ा हरा धनिया भी पहले डाल देती हूँ. डाल देंगे ये सारे ही ग्राउंडेड स्पाइसेस. और डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने आलू की तो आपको बेनिफिट्स बताए हैं मेरे पहले वाले वीडियो में, मैं आपको बेनिफिट्स इसके मटर के बता दूं. इसके लोडेड विद बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स ये, और ये आपने अपनी डाइट में जरूर लेनी चाहिए, मटर जरूर खानी चाहिए. तो ये जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं मटर के, ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा है. इसमें बहुत प्रोटीन्स होते हैं, रिच इन प्रोटीन्स है. ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है. इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई होते हैं. लिवर के फंक्शन को बहुत अच्छा बनाता है. इम्यूनिटी बूस्ट करता है. आजकल क्वारंटीन के टाइम में हमें जरूर खाना चाहिए ये. कैलोरीज में बहुत लो है, फाइबर में हाई एंड रिच है. एनर्जी गिवर है और एंटी एजिंग है. हम सभी को जिन्हें यंग और ब्यूटीफुल दिखना है, वो पीज या मटर को अपनी डाइट में जरूर जरूर इनकॉर्पोरेट करें. तो ये हमने, ये थोड़ा सा इसने पानी छोड़ दिया है मसाले ने, कोई बात नहीं, हाई स्टी ये कर देंगे फ्लेम को ताकि उसका ये निकल जाएगा. मैं रंग देने के लिए मेरी जो ये मिर्च है, देगी मिर्च, ये थोड़ी सी डाल दूंगी ताकि इसका एक अच्छा सा कलर आ जाएगा. आज हम मटर आलू परांठों के साथ खाएंगे. आम की चटनी तो बनी पड़ी है और एक रायता भी रायते के साथ या दही, प्लेन दही के साथ जैसे कहेंगे फैमिली मेंबर्स, वैसे खाना दूंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो कितना प्यारा कलर आया है और मटर और आलू आपस में मिलके कितने खुश हो गए इस बाकी सब अपने मसाले फ्रेंड्स के साथ.
थोड़ी सी देर इसे ढक देते हैं, क्योंकि मैंने आपको निशानी बताया है कि हमारा मसाला डन तब हो जाता है जब वो प्रेशर कुकर या कढ़ाई से या कोई भी दूसरे बर्तन से अपना जो साइड्स में से ऑयल छोड़ने लगे। तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है, एक दो मिनट, तो हम इसको ढक देंगे। फ्रेंड्स, एक पांच मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए। अब इसको जरा हम निकाल के देखते हैं। देखते हैं, हाँ, आपको दिख रहा होगा ये ऑयल साइड से छोड़ दिया है, बस ये इसकी निशानी है, ये डन हो गया है। अब क्योंकि हम इसे राइस के साथ नहीं खा रहे हैं, हम इसे पराठे के साथ, या हम पराठे के साथ आज खाएंगे, चपाती के साथ भी खाया जा सकता है, ब्रेड के साथ भी खाया जा सकता है, बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला। जो मेरे मिक्सर में से मसाला लगा हुआ था, बस उसी में मैंने पानी डाल के इसमें निकाल लिया। आई थिंक हाफ अ कप होगा पानी। अब ये मैं देखूं, बस हमें ये इतनी चाहिए सब्जी बन के लिए, और अभी हम इसे बंद कर देंगे, और ये बस दो तीन विसल्स में ही तैयार हो जाएगी। और कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, मस्त एकदम। तो फ्रेंड्स, बस अब इसकी स्टीम निकाल देते हैं, और ये हमारी सब्जी बन है। ये मुझे इसमें बहुत कढ़ी में बहुत सारा पानी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये हमने सिर्फ पराठे के साथ खाने। अब जल्दी से इसकी मेथी कर लेते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम प्रेशर कुकर वगैरह खोलते हैं तो बहुत ध्यान से खोलें। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो मेरे कुकिंग में के बिगिनर फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने अभी अभी कुकिंग जो सीख रहे हैं, क्योंकि अपने आप को आग से, स्टीम से हमें बचाना है। तो इतना प्रेशर होता है इसमें, तो आपका हाथ जल सकता है, तो आप ख्याल रखें इस बात का। ये डन है हमारी सब्जी। इसमें हम जो मेरे सबसे फेवरेट चीज है मेरी, हरा धनिया से इसको गार्निश कर लेंगे। एक तो गार्निश हो जाता है, और दूसरे इसके जो मैंने आपको फायदे मेरे पहले वीडियो में भी बताए हैं धनिया के, वो बहुत ही इमेंस हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं धनिया के। एक तो ये हमारी सब्जी को एनहांस करती है, टेस्ट बढ़ाती है सब्जी का, और ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है, स्टमक के लिए अच्छी है, एसिडिटी को ठीक करती है। तो ये फायदे हैं धनिये के, मैंने बता रखे हैं अपने पहले वीडियो में, धनिये की जो सब्जी बनाई थी आप उसमें से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ जैसे ये सब्जी मेरी इतनी टेस्टी बनी है, आपकी भी सब्जी टेस्टी बने, और आप इसे खाएं, खूब इंजॉय करें। आप इसे प्लेन चपाती के साथ खा सकते हैं, या पराठे के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, कुलचे के साथ खा सकते हैं। हम फिलहाल इसे पराठे के साथ खाएंगे। तो मैं ब्रेड्स के ऊपर भी वीडियोस बनाने वाली हूँ, पर पहले मैंने कहा ये इजी जो वर्जन्स हैं वेजिटेबल्स और दाल्स के, पहले मैं वो आपको बता दूं, और फिर हम ब्रेड्स की तरफ चलेंगे, यानी हमारी जो इंडियन रोटियां हैं उनकी तरफ। तो फ्रेंड्स, फिर जल्दी से एक नए वीडियो में मिलूंगी। टिल देन, बाय बाय एंड नमस्ते।